वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास में एलिवल सॉइल का टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें इसका लास्ट पोर्शन जो है पेंडिंग रह गया था उसको लेते हैं आज, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एलिवल सॉइल जो है उसका हमने काफी टाइप की डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी हमने उसका डिविजन पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, एलुवियल सॉइल का डिवीजन कैसे किया गया है उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले का प्रोपोर्शन हर जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब पेडमोंट रीजन में सैंड का प्रोपोर्शन कहाँ ज्यादा है, सिल्ट का प्रोपोर्शन कहाँ ज्यादा है, क्ले का प्रोपोर्शन कहाँ ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पेडमोंट रीजन को, पेडमोंट रीजन मैंने आपको बताया था कि पेडमोंट रीजन कौन सा होता है, जब फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो है, पेडमोंट रीजन क्या है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय और जहां से प्लेन स्टार्ट होते हैं, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड पेडमोंट एरिया। अब पेडमोंट एरिया ये है, ठीक है ना। अब इसको कैसे डिवाइड किया गया, क्योंकि देखो हिमालय तो ऐसे ऐसे फैले हुए हैं ना, तो दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड पेडमोंट रीजन, ठीक है। अब पेडमोंट रीजन में एलुवियल सॉइल का जो डिवीजन है उसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो थ्री पार्ट्स हैं ड्वार्फ्स, चाउस, चाउस को हम खड्स के नाम से भी जानते हैं, एंड तराई। तो सबसे पहले ड्वार्फ्स क्या है, ड्वार्फ्स को बेसिकली डोर्स बोला गया है बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू भूटान, ठीक है, इसको हम ड्वार्फ्स का गेटवे टू भूटान माना जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एंड व्हाट आर ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स आर बेसिकली द एलुवियल फ्लड प्लेन्स और कुछ भी नहीं है। ड्वार्फ्स को जो फ्लड प्लेन, एलुवियल फ्लड प्लेन्स का एरिया है उसको ड्वार्फ्स के नाम से मतलब क्या किया गया है, उसको द्वार नाम दे दिया गया है, ठीक है। जो फ्लड प्लेन्स कहां पर है, नॉट एवरीवेयर, कहां पर है, कौन से वाले फ्लड प्लेन्स को द्वार का नाम दिया गया, जो कि ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट पोर्शन में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो फ्लड प्लेन्स लाई करते हैं, कहां पर लाई करते हैं, एट द साउथ ऑफ हिमालयस फुटहिल्स नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यानी कि वो फ्लड एलुवियल फ्लड प्लेन्स जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के नॉर्थ में है और हिमालयस फुटहिल्स के साउथ में है, ऐसी जगह। तो ये बेसिकली कहां से कहां तक है, ये है आपकी, यहां मेंशन कर देती हूं, ये रीजन जो है बेसिकली आपका है तीस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, टू धनश्री रिवर ऑफ आसाम, ठीक है, ये रीजन है। ये लगभग 350 किलोमीटर का एरिया है जो कि द्वार्स के नाम से घोषित कर दिया गया है उस इस एरिया को, इन फ्लड प्लेन्स को ही द्वार्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ ये जो द्वार्स है बेसिकली ये थ्री टीज के नाम से फेमस है, टी टी एंड टी, यानी कि एक टी प्लांटेशन, यहाँ चाय की खेती सबसे बढ़िया होती है, देन यहाँ पर टिम्बर बहुत बढ़िया मिलता है, एंड देन यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो द्वार्स को आप थ्री टीज के नाम से भी पहचान सकते हो, जहां जिस रीजन में टी टिम्बर टूरिज्म बहुत बढ़िया है वो एरिया द्वार है, गेटवे ऑफ भूटान द्वार है, फिर ऐसे फ्लड प्लेन्स, एलुवियल फ्लड प्लेन्स जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड सॉरी नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड एट द साउथ ऑफ हिमालयन फुटहिल लाई करते हैं, उन फ्लड प्लेन्स को द्वार का नाम दिया गया है, ठीक है। देन कम्स चाउस, चाउस को हम खड्स के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली ये वो रिवर स्ट्रीम्स क्रिएट करती है जो कि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स शिवालिक रेंजेस से आती हैं, ठीक है, और ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या करती हैं, खड्स क्रिएट करती हैं, वहां से क्या करती हैं, फॉरेस्ट गायब हो जाते हैं, वहां के जो पेड़ वगैरह हैं वो जिस जिस जगह पर उन रिवर स्ट्रीम्स की
नॉर्थन रिवर स्ट्रीम्स जो शिवालिक एरिया में जब पहुंचती हैं और उन रिवर स्ट्रीम्स की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और वहां से वो सारे के सारे फॉरेस्ट उड़ा देती हैं, अपने साथ वहां का ले आती हैं मिट्टी की, पहले सॉइल इरोजन होता है, धीरे धीरे वहां से फॉरेस्ट भी खत्म हो गए हैं और वहां पर क्या बन गए हैं, खड्डे, खड्स बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी गहरी गहरी खड्डे बन चुकी हैं। उन एरियाज को कहा जाता है चाओज। ठीक है, सो जो चाओज हैं उनको हम कैसे जानेंगे, रेफर्स टू द एरिया ऑफ रिजेस क्रैक्स। ठीक है, ये कैसे एरियाज हैं जहां पर बड़े बड़ी दरारें, बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए हैं, बट वेयर दीज क्रैक्स अपीयर्स, द रीजन वेयर दीज क्रैक अपीयर, दोज रीजन्स आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट, वहां से जंगल हट गए, वहां से पेड़ खत्म हो गए। सो ऐसे रीजन हमें कहां देखने को मिलते हैं, बेसिकली एट द स्लोप्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे जगहें जो शिवालिक रेंजेस की पंजाब साइड में है, ऐसी स्लोप्स विच आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड चाओस। तराई रीजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल। आज ये एलुवियल सॉइल का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको मैप शो कर रही हूँ जिसमें एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो एरिया प्रॉपर इंडिया के मैप में मार्क है, आपने उसको याद करना है। देखो बेटा, अगर एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से आप देखते हो तो मैप में ए बी सी सॉइल मार्क की हुई आ सकती है मैप में, इंडिया के मैप में, जैसे आपकी बुक में है सॉइल दिखाई गई है, सॉइल मैप है, उसमें क्या होता है वो पूछते हैं कि जैसे सपोज बी रीजन है जहाँ पे बी लिखा है वो सॉइल कौन सी है, ए रीजन कौन सा है, तो आपको सॉइल पता होनी चाहिए कौन सी सॉइल किस एरिया में फैली हुई है। अब हमने एलुवियल सॉइल का अगर बिल्कुल बिगनिंग में अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पढ़ा था, एट द डेल्टास रिवर बेसिन्स के पास मिलती है, प्लस कुछ हिस्सा राजस्थान प्लेन में देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल का, देन पंजाब प्लेन्स, देन नदन प्लेन्स, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यही था। क्यों मिलता है, क्योंकि वहां रिवर्स जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ वो प्लेन्स उन्होंने बनाए हुए हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ऊपर से अपने साथ सॉइल बहाकर लेकर आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलुवियल सॉइल, नोट डाउन, देन वी विल स्टडी अबाउट रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल ऑल्सो इन टूडेज क्लास। Now students, our next soil is black soil. जैसे एलुवियल सॉइल जो थी 45% हमारे लैंड पे अवेलेबल है, वैसे ही जो ब्लैक सॉइल है ये लगभग हमारे पास 15% एरिया में अवेलेबल है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, एंड दिस ब्लैक सॉइल, द ओरिजिन ऑफ दिस ब्लैक सॉइल इज वॉल्केनिक इरप्शन, और दिस ब्लैक सॉइल is volcanic in origin, that is why it has basaltic rocks and is found in the Deccan Plateau region. This black soil is very ideal for cotton cultivation. Now the color of the soil is black because of the presence of titaniferous magnetite. अब titaniferous magnetite क्या चीज है, ये मिट्टी में जो black color है वो इसकी वजह से है, और ये क्या चीज है, it is the compound of आयरन एंड मैग्नीशियम। नाउ इससे ये पता चलता है कि ये ब्लैक सॉइल जो है रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम तो है ही है, बट इट इज ऑल्सो रिच इन पोटैश, लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये पांच चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि इस ब्लैक सॉइल में क्या क्या बहुत अच्छा पाया जाता है, दैट मीन्स इस ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, लाइम एंड कैल्शियम। नाउ दिस सॉइल इज डेफिशियंट इन, अब इस सॉइल में क्या चीज की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, तीन चीजों की बहुत ज्यादा कमी रहती है। अब ये जो सॉइल है इट इज नॉट फर्टाइल, और यू कैन सी इट इज पुअर इन फर्टिलिटी एट द अपलैंड एरियाज, बट वेयर एज इट इज गुड, इट इज हैविंग गुड फर्टिलिटी क्वालिटी, और इट इज रिच इन फर्टिलिटी इन द लो लैंड एरियाज, और यू कैन से रिवर वैली रीजन। ठीक है, अब इसकी ये भी
भी आपको पता चल गया कि ये कहाँ पर अच्छी फर्टाइल सॉइल मिलती है और कहाँ पर नहीं है इसकी फर्टिलिटी। ये सॉइल जो है इसका जो टेक्सचर है दैट इज वेरी फाइन, दैट मीन इट इज क्ले इन नेचर। जब इसमें पानी पड़ता है, हमने सॉइल का जब कंपोजिशन पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत ही बारीक होते हैं और वो क्या करते हैं उसकी वाटर रिटेंशन पावर बहुत होती है, बहुत ज्यादा पानी सोख लेता है। दैट मीन्स क्ले हैज मोर कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेनिंग वाटर इन वाटर मॉइस्चर इन इट। अब ज्यादा पानी अपने अंदर रखने की वजह से वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, क्ले ही हो जाता है और जिस स्टिकी हो जाता है जिसकी वजह से, और जब व्हेन इट इज व्हेन दिस सॉइल गेट्स वेट इट बिकम्स स्टिकी इन नेचर एंड व्हेन दिस सॉइल बिकम्स ड्राई इट गेट्स क्रैक्स इन इट। उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, फिशर्स, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। आपने कभी अपने घर में मुल्तानी मिट्टी को भिगो के देखा है, कभी मुल्तानी मिट्टी को भिगो कर देखना, वो क्या होती है जब तो वो गीली होगी तो एकदम चिपचिपी आपके हाथ में चिपकेगी बिल्कुल, मतलब कैसी आप ये बिल्कुल चिकनी, मतलब आप ये सोच लो कि एक तरीके से पेस्ट की तरह, और जब वो सूखेगी तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है, बट इट इज ब्लैक इन कलर क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम ज्यादा है, ठीक है। अब ये सॉइल, ब्लैक सॉइल बेसिकली कहाँ पाई जाती है, इट इज इन द डेक्कन प्लेटो रीजन। डेक्कन प्लेटो रीजन कौन सा है, दिस सॉइल इज बेसिकली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटो रीजन, क्योंकि इस डेक्कन प्लेटो रीजन को ही हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन या लावा की वजह से ये रीजन बना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक जगहें हैं वो आपको याद करना है। मध्य प्रदेश में जो है बेसिकली मालवा रीजन, ठीक है, मालवा रीजन में मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, साउथ ऑफ उड़ीसा में मिलेगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, कर्नाटका में मिल जाएगा, फिर आपका नर्मदा एरिया मिल जाएगा, नर्मदा के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपका गुजरात, सूरत और राजस्थान में जैसे तापी साइड है, फिर आपका और डांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आपको ये ब्लैक सॉइल बेसिकली देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी क्या अगर मिसिंग है, कर्नाटका इट्स ओके, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रीजन ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश में मालवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सूरत, ब्रिज, ठीक है, नर्मदा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर तो आपको ब्लैक सॉइल अच्छी खासी देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉप्स व्हिच कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। अब बेसिकली देखो हर सॉइल को हर क्रॉप के लायक बनाया जा सकता है, बट सॉइल की अपनी क्वालिटीज की वजह से उसमें क्या मेजर चीजें हम अपने उसकी क्वालिटी पे ग्रो कर सकते हैं, नेचुरल क्वालिटी पे, तो वो है यहाँ पर हम ग्रो करते हैं। फर्स्ट इज कॉटन, इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं, इट इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। देन टोबैको, देन आफ्टर टोबैको इसमें आपको ग्राउंड नट्स ग्रो कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ग्राउंड नट्स के साथ साथ लिनसीड्स इसमें ग्रो हो जाते हैं बहुत अच्छे से। देन मस्टर्ड इसमें ग्रो हो जाती है, मस्टर्ड के साथ साथ आपका उड़द दाल, मिलेट्स वगैरह यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। सो दीज आर दी क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉटन सॉइल, नोट डाउन। अब मैं आपको मैप दिखा रही हूं जहां पर कॉटन सॉइल मिलती है, आपको मैप पर बहुत अच्छे से ध्यान करना है, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि एलिवेबल सॉइल कौन सी रीजन में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है या रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, सो यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी वेल डिफाइंड विद दैट थिंग, हाँ मुझे पता है कि कहाँ है। अब मैं आपको इतना तो रीजन से क्लियर हो गया है, लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो और भी बढ़िया आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आर थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। इट कैप्चर्स अराउंड 18.5% ऑफ एरिया। नाउ दिस रेड एंड येलो सॉइल इज फाउंड ऑन द क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से है? क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक। इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है इसकी? पेरेंट रॉक इज योर इग्नियस रॉक और जेनेसिस, ठीक है। देन बियॉन्ड दिस ब्लैक सॉइल का जो रीजन है, वी फाइंड रेड एंड येलो सॉइल। ये डेक्कन प्लेटो का ये रीजन है, यहाँ ब्लैक सॉइल है। एंड बियॉन्ड दिस वी फाइंड रेड एंड येलो सॉइल। एंड इन द व्हाई वी फाइंड रेड एंड येलो सॉइल हियर? बिकॉज दीज आर द रीजंस ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल कहाँ कहाँ है? इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो एज वेल एज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। नाउ इट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, दैट इज इन द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन द साउथ ऑफ मिड गंगा प्लेन्स, देन इन द पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट कौन सी है? वेस्टर्न घाट का जो पेडमोंट जोन है, ये वाला जोन, ये कहां पर? एक साइड क्या है आपकी रेनफॉल अच्छी होती है, दूसरी तरफ क्या है आपका नो रेनफॉल और लो रेनफॉल रीजन, रेन शेडो एरिया जो है वहां पर ये मिलती है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलेगी आपको? रेन शेडो रीजन में ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ असम एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो अपना सेवन सिस्टर वाला एरिया है ना, वहां पर, ठीक है, सेवन सिस्टर्स, ठीक है। देन रेड कलर ऑफ द सॉइल इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन कौन सी वाली? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का कलर लाल दिखता है इन द क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये हेमेटाइट कहलाती है, ठीक है। देन येलो कलर, येलो कलर कब होता है? व्हेन रेड सॉइल इज हाइड्रेटेड विद वाटर, देन इट टर्न्स टू येलो इन कलर। उसका कलर कैसा हो जाता है? व्हेन रेड सॉइल इज हाइड्रेटेड विद वाटर देन इट टर्न्स टू येलो, एंड दिस येलो कलर इज कॉल्ड लिमोनाइट, ठीक है। Then this soil is rich in potash and phosphorus and very poor in lime, magnesium, nitrogen, humus and carbonates. Now the types of crops that can be grown in this soil are, अब देखो areas beyond the cotton soil, that means यहाँ पर cotton आप grow कर सकते हो, tobacco grow कर सकते हो, then यहाँ पर groundnuts grow कर सकते हो, पोटैटो, देन लिनसीड्स, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा, ठीक है। और देन यहां पे आप रागी भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है, शुगर केन भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या है, जो अपलैंड वाला एरिया है दैट इज लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू दी लोअर लैंड एरिया और टूवर्ड्स द रिवर वैली रीजन। अब उसमें क्या है, क्योंकि जो अपलैंड एरिया वहां पे थोड़ी सी सॉइल कोर्स रहती है और जो लो लैंड वाला एरिया है वहां पर फाइन सॉइल रहती है, तो इस तरीके से ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल। या आपको अच्छे से लर्न करना है क्या है, रेड कलर क्यों है बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, उसको हेमेटाइट कहते हैं, येलो कलर क्यों है, when the red soil is hydrated with water then it gets the yellow color and that is called limonite, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है? Basically low rainfall या rainfall areas of east and the southern part of Deccan Plateau, but to be very specific कहाँ कहाँ है तो ये आपको regions याद करने हैं। Rich in double P potassium and phosphorus, then poor in manganese, lime, carbonates, ठीक है, lime and humus। फिर आपने कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो वो दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। अब मैं आपको मैप दिखा रही हूं जहां जहां पर रेड एंड येलो सॉइल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपको और ज्यादा दिमाग में अच्छे से छप जाएगा, ठीक है, कि रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी डे एनी टाइम। और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, जितने भी स्टूडेंट
ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, कभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आती है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है, यू कैन आस्क देयर ऑल्सो.